आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। जनधन अकाउंट पूरे देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 करोड़ गरीबों के ये बैंक के अकाउंट खोले गए। 9 करोड़ गरीबों के, अनुभव करिए, इन 9 करोड़ लोगों के पास अपना अकाउंट ही नहीं था। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिला और उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय की लाभ दिया गया। यानी इन 10 करोड़ लोगों के पास देश के अंदर और 2,61,00,000 लोगों के पास उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय ही नहीं था। वे लोग सड़कों पर जहां तहां बैठते थे, गंदगी होती थी, बीमारी होती थी, लोग लाज अलग है, नारी गरिमा अलग है। देश के अंदर 3,50,00,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर 54,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास का लाभ मिला। आप सोचिए, इन 3.5 करोड़ गरीबों के पास अपना मकान था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 54,00,000 गरीब ऐसे थे, आखिर उनकी भी तो कोई जाति रही होगी जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे। क्या कर रही थी कांग्रेस 55 वर्षों तक? क्या कर रही थी ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? 4-4 बार इन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला, लेकिन क्या कर रहे थे? इन 54,00,000 गरीबों को मकान क्यों नहीं मिला? लेकिन पहली बार इन गरीबों को भी छत ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए छत प्राप्त हुआ है, ये मोदी जी के कारण संभव हो पाया। भाइयों बहनों, एक गरीब को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो, देश के अंदर 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ दिया गया है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3.25 वर्षों से लगातार प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आप सोचिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के एक दिन पहले दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान पहले बन गया, हिंदुस्तान उसके बाद आजाद हुआ और हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 3-3.5 वर्ष से लगातार मिल रही है। और पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग छीना झपटी कर रहे हैं, जैसे मोहल्ले में बहुत बार देखने को मिलता होगा आपको। यही है भारत और पाकिस्तान में अंतर। भारत में खुशहाली है, भारत में समृद्धि है, भारत में योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को प्राप्त हो रहा है। पाकिस्तान में 2 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जब दुनिया पस्त थी, तब भारत अंगड़ाई लेकर के मजबूती के साथ खड़ा होकर के दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में है और उन स्थितियों में ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है, अपने नागरिकों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की सामर्थ्य रखता है, एक नई दृष्टि उन्हें प्रदान करता है। और उस नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में जब हम कार्य करते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, एक नए सिरे से भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यह एक अद्भुत कार्य है हम सब के लिए। इन 9 वर्षों में भारत एक नई उड़ान लेकर के चला है। आप याद करिए, कोई सोचता था
और गोरखपुर से ज्यादा कौन जान सकता है। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी गोरखपुर में, बदहाल स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, चिकित्सा सुविधा का अभाव था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे अगर पहिया होते तो सपा बसपा या कांग्रेस के लोग इस मेडिकल कॉलेज को भी यहां से कहीं और ले गए होते। हमने कहीं के मेडिकल कॉलेज या कहीं के विश्वविद्यालय को नहीं छीना, हमने नया दिया और हर जगह दिया। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज। पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन गया है, फर्टिलाइजर फिर से चलने लग गया। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर जल्द लौटते हैं।